Look at this beautiful island. What's up everybody, this is Sagar Kamran and welcome back to yet another video from the Goa series. पिछले दो तीन वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आया हूँ कुछ दिनों के गोवा ट्रिप के लिए और आज है डे 3 साउथ गोवा में और प्लान भाई ये है कि साउथ गोवा में जो भी हिडन पॉइंट्स है या बोलो लेस एक्सप्लोर पॉइंट्स है वो घूमने हैं, जिनमें से कुछ है जस्ट टू नेम अ फ्यू, न्यूएम बीच, लिटिल बीच, बेतुल फोर्ट, बेतुल बीच और थोड़ा नॉन बीच हो सकता है बेनोलियम बीच। तो सफर पे बने रहिए भाई साहब, आज गोवा कुछ अलग से ही देखेंगे। तो अभी हम न्यूएम बीच के लिए आए और यहाँ पे पार्किंग कुछ अवेलेबल नहीं है तो आपको गाड़ियाँ वैसी लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी, टू व्हीलर्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ये कुछ रास्ता है, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं आगे। लेट्स सी क्या देखने को मिलता है, ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये पॉइंट चेक किया, यहाँ पे ऐसा कोई सी शोर नहीं देखने को मिलेगा आपको, शायद अंदर नहीं जा सकते। तो किसी को लोकल को पूछ के देखते हैं कि न्यूएम बीच एग्जैक्टली कहाँ पे, कहाँ से जाना पड़ेगा। आई बिलीव पीछे जाके आना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो न्यूएम बीच में वहाँ से नहीं, ये लोकल से पता चला, ऐसा एक ट्रेल जाता है छोटा सा, तो वहाँ से जाके आप बीच देख सकते हो। तो हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ से, नॉट श्योर कि हम बराबर जा रहे हैं, बस अभी जाएंगे देखेंगे। ओ भाई साहब, दिस इज़ ब्यूटिफुल। पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पे बीच है करके, लेकिन यस यहाँ पे बीच है। यहाँ पे कुछ बोटें लगा के रखी हुई है और बीच बहुत छोटा सा है। ये भी ऐसा प्रॉपर बीच टाइप नहीं है, ये लो टाइड की वजह से पानी अंदर गया है इसीलिए शायद हम यहाँ तक आ पाए। वो छोटा सा रास्ता था जहाँ से हम लोग आए, बाकी यहाँ पे पूरा पत्थर है, बट दिस इज़ गुड ना। तो ये पूरा केव जैसा लग रहा है और यहाँ से अपन रिवील करते हुए जाएंगे। तो ये है समंदर, is like a tiny little your own private beach if you found it। तो यही है कि हम तीन लोग आए थे, हम तीन लोग ही हैं, बाकी व्यू सुंदर है। हम अंदर जाके नहीं देखे कितना अंदर जा सकता है, बट या दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। बाकी यहाँ पे ऐसे पत्थर तो है ही, सच में यहाँ पे वाइब्स ही कुछ अलग है। यू शुड डेफिनेटली विजिट एंड एक्सपीरियंस दिस वंस। बाकी न्यूएम बीच पे आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। न्यूएम बीच से हम निकले द लिटिल बीच की खोज में गूगल बाबा मैप्स की मदद से। Life is a winding road, no telling where it goes। तो हम लोग लिटिल बीच ढूंढ रहे थे, लिटिल बीच तो नहीं मिला, बट लुक एट दिस, ऐसे एक गली से अंदर घुसे और ये व्यू मिल रहा है। अभी देख रहे हैं कि वहाँ पे जा सकते हैं क्या, अगर जा सके तो बहुत सही होगा, नहीं तो फिर क्या है वापिस आते हैं। और बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी, तब हमने सोचा चलते हैं भाई बेतुल फोर्ट की तरफ जो साल नदी के किनारे बसा हुआ है। बेतुल फोर्ट आया और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एरिया है जहाँ से हम लोग आए हैं वो पूरा मराठी लोगों का एरिया है, क्योंकि इफ़ यू कैन हियर दैट सॉन्ग
राहुदे, वो मराठी सॉन्ग है। और मैंने जिन लोकल लोगों से बात किया वो लोग भी मराठी में मुझे जवाब दे रहे थे। उन्होंने मेरा गाड़ी का नंबर प्लेट देख लिया और उन्होंने मराठी में ही बताना शुरू किया। यहाँ पे बोट वगैरह है, वो देखो एक बोट आ रही है वहाँ से, बोट इधर है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज वाला फ्लैग लगा हुआ है, बहुत पुराना है। एंड सीन 1763 के अंडर पुर्तगीज फ्रॉम सौंदनकर किंग टिल 1961। मुझे तो आज तक नहीं पता था ये फोर्ट के बारे में, तो अभी अपन जाके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग। खैर फोर्ट की हालत काफ़ी ख़राब थी, एक बुरुज था वहाँ पे, एक कैनन भी थी, बाकी पूरा खंडर हो चुका था। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार ज़रूर जाइए, क्योंकि भाई वहाँ का जो व्यू पॉइंट है काफ़ी खूबसूरत है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल आइलैंड। व्यू पॉइंट देखने के बाद हमें थोड़ा आगे एक मंदिर दिखा जो है श्री खानेश्वर मंदिर। मंदिर के आगे यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल आइलैंड। यहाँ छाव में थोड़ी देर शांति से बैठे बैठे ये तो पता कर लिया कि यहाँ जितने भी बोट समुंदर से मछलियाँ लाती है उनमें से कुछ वो श्री खानेश्वर भगवान को चढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ के चिलों ने काफ़ी समय तक कलाबाजियाँ दिखा के हमारा इंटरटेनमेंट किया। वो मंदिर से थोड़ा आगे आने के बाद ये एक ब्यूटीफुल व्यू दिखता है आपको, बहुत सही ना। यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक रॉकी पैच भी है जहाँ पे फोटोज काफ़ी अच्छे आएंगे। ये बोट जा रहा है अभी फिशिंग के लिए, बहुत सारे लोग हैं, अपना फ्लैग भी लगा हुआ है। फिर पता चला जो आगे आप आइलैंड देख रहे हैं वही है बैतुल बीच। यू कैन सी ये था बैतुल फोर्ट का एरिया और वो साइड में बैतुल बीच, बैतुल लाइट हाउस। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए ऐसा घूम के ये जो बीच का अपना नदी जा रहा है साल रिवर, तो उधर से घूम के ऐसे आना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गो आप जा सकते हो, और वहाँ से ये साइड में आना, बहुत सही जगह है। और अब तक यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था, तो वी डिसाइडेड टू स्किप बैतुल बीच फॉर नाउ और घर की तरफ निकल पड़े। एज पर प्लान शाम में हमें सनसेट बेनालेम पे जो देखना था, फिर घर पे मस्त आराम करके शाम में हम निकले बेनालेम बीच की तरफ वहाँ का सनसेट देखने। बीच पे पहुँचते पहुँचते गोल्डन आवर या बोलो मैजिक आवर शुरू ही हो चुका था। तो अभी हम हैं बेनालेम बीच पे और वेट कर रहे हैं सन टू सेट परफेक्टली जो हो रहा है अभी, और बाकी सब लोग यहाँ पे पानी के अंदर है। वी आर वेटिंग, कोई तो बाहर आएगा सामान देखेगा और हम चले जाएंगे। सो लेट्स सी और कितना वेट करना पड़ता है। मेरा नंबर तो आ गया, अभी मैं आता हूँ पानी से, तब तक आप एक खूबसूरत सनसेट इंजॉय कीजिए। तो इस बीच पे गेम्स भी है, तो हम गेम खेल रहे हैं, आपको पता ही होगा गेम। तो मैडम शुरू करें। हाँ, माता जी का नाम अचार चाहिए, अचार नहीं परफॉर्म, चलो आगे वाले पैसे बर्बाद। अरे यार अब अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले चांस। और एक कॉम्प्लीमेंट्री मिला, और एक फॉर गुड परफॉर्मेंस। छेद दे तो मेरे को बल के बाहर ऊपर से सूते हुए। ओ क्या बात है भाई, नहीं मिला, नहीं मिला, लेकिन वो दैट इज इनवैलिड। इट वाज अ फन एक्टिविटी, मिला कुछ भी नहीं, बट हम लोग मजे तो करने आए, तो लेट इट बी, लेट्स गो नाउ। आई होप कि आपको ये अलग सा गोवा पसंद आया होगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा पिछला पेलोलेम बीच वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ मैं इस गोवा सीरीज़ के अंदर लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।